हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी कुक शो। गर्मियों का सीजन आ गया है और कस्टर्ड तो सभी लोगों को पसंद होता है खाना, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ यहाँ पे टेस्टी फ्रूट कस्टर्ड। ये देखिए, ये खाने में टेस्टी लगता ही है, साथ में बच्चे और बड़े सभी को पसंद आता है। तो अगर आप इस गर्मी कुछ रिफ्रेशिंग ट्राई करना चाहते हैं डिनर या फिर लंच के बाद, तो इस कस्टर्ड की रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में। और मैंने जो कस्टर्ड बनाया है आपको, मैं उसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ कितना क्रीमी और कितना रिच है। तो आपको अगर ऐसा ही क्रीमी और रिच कस्टर्ड बनाना है तो मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो कस्टर्ड के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 लीटर दूध लिया है, जिसे कि मैंने गैस पे चढ़ा देंगे। अब हम यहाँ पे गैस के फ्लेम को लो रखेंगे और दूध को सबसे पहले हल्का गुनगुना करेंगे। जब तक हमारा यहाँ पे दूध हल्का गुनगुना होता है तब तक हम कस्टर्ड का घोल बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्राउन इंपल्सन का कस्टर्ड पाउडर यूज कर रही हूँ। ये मेरा वैनिला फ्लेवर है, आपको जो फ्लेवर का पसंद हो आप उस फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। यहाँ पे 2 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है, आप अपने दूध के अकॉर्डिंग कस्टर्ड पाउडर को ले। सबसे पहले हम इसका घोल बनाएंगे। तो घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 कप ठंडा दूध लिया है। आप गर्म दूध से कस्टर्ड का घोल ना बनाए, नहीं तो कस्टर्ड जो है उसमें गुठलियाँ आ जाएंगी। तो इसे अच्छे से मिक्स करते हुए आप एक अच्छा घोल बना लें इसका। कस्टर्ड पाउडर बेसिकली जो है वो कॉर्न फ्लोर या फिर आप अरोट भी कह सकते हैं, उसी का बना होता है। बस उसमें फ्लेवर मिलाया होता है तो वो कस्टर्ड पाउडर हो जाता है। आप चाहो तो घर पे अरोट में या फिर कॉर्न फ्लोर में आपको जो भी फ्लेवर का पसंद हो वो फ्लेवर डाल के आप उस फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक पतला घोल तैयार कर लिया है, आपको बिल्कुल ऐसा ही घोल बना कर तैयार करना है। तो हम यहाँ पे गुनगुने दूध में ही कस्टर्ड पाउडर को डाल देंगे, ज़्यादा गर्म दूध में नहीं डालेंगे। और डालने के बाद इसे तुरंत स्टर करेंगे। अगर आप इसे छोड़ दीजिएगा तो इसमें जो है लम्ब्स बनना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप कस्टर्ड पाउडर को डालते ही इसे चलाने लगी अच्छे से। तो धीरे धीरे करके मैंने बाकी सारे घोल को डाल दिया है और इसे अच्छे तरीके से हम चलाएंगे। अब हम यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देंगे और दूध में एक उबाल आने देंगे। कस्टर्ड के घोल को पहले डालने का एक रीज़न ये था कि जो कस्टर्ड पाउडर का कच्चापन है वो हमारा दूर हो जाए और अच्छे से हमारा कस्टर्ड पक जाए। तो दूध जैसे उबलेगा वैसे हमारा कस्टर्ड भी इसमें पक के तैयार हो जाएगा, बस हमें इसे स्टर करते रहना है। अगर आप अपने कस्टर्ड को थोड़ा क्रीमी और थिक बनाना चाहते हैं तो उसमें आप मलाई डाल दें दूध का। ये मैंने गाय के दूध का मलाई निकाल के रखा था, इसे भी डाल देंगे और इसे भी अच्छे से बीट कर देंगे। कस्टर्ड का घोल पहले डालने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि बहुत लोग जब कस्टर्ड बनाते हैं उन्हें लगता है कि कस्टर्ड थोड़ा सा कच्चा रह जाता है टेस्ट में, इसलिए आप कस्टर्ड के घोल को पहले ही डाल दें ताकि कस्टर्ड हमारा अच्छे से पक जाए। ये देखिए इसमें मलाई भी अच्छे से मिल चुकी है। अब इसमें एक उबाल आने देते हैं और हमारा जो दूध है वो धीरे धीरे अब गाढ़ा भी होने लगा है। देखिए अब दूध में हमारा उबाल आने लगा है, इसमें बबल्स आने लगे हैं। तो हम गैस के फ्लेम को यहाँ पे अब लो कर देंगे और लो करके इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। दूध में बबल्स आने का रीज़न यही है कि जो कस्टर्ड है हमारा वो पक रहा है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे हमारा दूध में अब उबाल आने लगा है, तो हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। तो अब यहाँ पे गैस की फ्लेम को लो करके हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। मैंने 1/2 लीटर दूध के लिए 50 ग्राम शुगर का यूज़ किया है, आप मीठा अपने अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। शुगर डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो गया और हमारा चीनी भी अच्छे से घुल गया है। अगर आप अपने कस्टर्ड को और रिच और सिल्की बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आइसक्रीम ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 1 कप आइसक्रीम ले रही हूँ जो कि वैनिला फ्लेवर का ही है, मैं इसे ऐड कर दूंगी। आप आइसक्रीम के जगह चाहो तो फ्रेश क्रीम का यूज कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आइसक्रीम भी अच्छे से मेल्ट हो गया है और हमारा कस्टर्ड बनके तैयार भी हो गया है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए ये एकदम एक लाइन गिर रहा है, यानी कि हमारा जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कस्टर्ड किस तरीके का खाना पसंद करते हैं। आप चाहो तो इसे और पतला भी बना सकते हैं या फिर इसे और गहरा भी बना सकते हैं, लेकिन जो परफेक्ट होता है कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी वो यही होती है कि वो एक लय में गिरे। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो पहले मैं कस्टर्ड को 5 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पर रख के इस तरह छोड़ दूंगी
फिर उसके बाद 10 मिनट के लिए फ्रीज में डालकर इसे और चिल कर लेंगे। उसके बाद ही हम इसमें फ्रूट्स को ऐड करेंगे। तब तक हम दूसरी तरफ फ्रूट्स की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, मैंने इसे एक बॉल में निकाल लिया है। एक बात का आप जरूर ध्यान रखें, जब आप कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए फ्रीज में डालें तो उसे सिल्वर फॉयल से रैप कर दें या फिर कोई लीड की सहायता से ढक करके फ्रीज में रखें। इससे क्या होगा, आपके कस्टर्ड पर जो है वो पपड़ी नहीं जमेगी। ये देखिए मेरा कस्टर्ड, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ, कितना क्रीमी और कितना रिच लग रहा है ये देखने में। और साथ ही एक ज़रूरी बात और, अगर आपको लगे कि आपके कस्टर्ड में हल्का फुल्का लम्स रह गया है तो आप उसे एक छन्नी की मदद से छान सकते हैं। मेरा कस्टर्ड जो है वो एकदम क्रीमी और रिच बना है। इसका रीज़न ये है कि मैंने इसमें आइसक्रीम मिलाया है और मलाई। तो अगर आप इसी तरीके का कस्टर्ड बनाना चाहते हैं, मैं आप ज़रूर इन दोनों चीज़ को ऐड कर सकते हैं। और साथ ही देखिए मैंने यहाँ पर सारे फ्रूट्स की कटिंग कर ली है, जैसे कि वाटरमेलन, सेब, पपाया, ब्लैक ग्रेप्स, ग्रीन ग्रेप्स और ये पोमेग्रेनेट यानी कि अनार। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं फ्रूट्स को डालें, आपके पास जो भी सीजनली फ्रूट्स अवेलेबल हो आप वो वही फ्रूट्स डालें इसमें। तो चलिए मैं इसमें एक एक करके सारे फ्रूट्स को डाल देती हूँ। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी पपाया, ग्रीन ग्रेप्स, पोमेग्रेनेट, वाटरमेलन, एप्पल, ब्लैक ग्रेप्स। अब हम अच्छे से कस्टर्ड को मिला लेंगे। अगर आपका कस्टर्ड फ्रीज में रखने के बाद या फिर ठंडा होने के बाद थोड़ा गाढ़ा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, फ्रूट्स मिलाने के बाद ये थोड़ा पतला हो जाता है क्योंकि फ्रूट्स में मॉइस्चर होता है तो वो सारे फ्रूट्स अपना पानी छोड़ते हैं, तो कस्टर्ड ऑलरेडी थोड़ा पतला हो जाता है। इसलिए आप जब भी कस्टर्ड बनाएं तो थोड़ा थिक बनाएं। सो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे हमारा फ्रूट कस्टर्ड बन के तैयार है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में और खाने में भी साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई करें और ठंडा ठंडा इसे इंजॉय करें। तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो इसी तरीके से मैं आपके साथ मिलूंगी एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।